बहुत समय पहले की बात है, परीलोक में एक ऐसी परी थी जिसका नाम था निकिता। निकिता परी को बचपन से ही छोटे छोटे बाल रखने का बहुत शौक था और वो बड़े होने पर भी छोटे छोटे ही बाल रखती थी, जिसकी वजह से सब उसे परकटी परी कहकर बुलाते थे। निकिता बेटा, तुम एक परी हो और परी सुंदर और लंबे बालों में ही अच्छी लगती है। हम परियों को सुंदरता तो ब्रह्मा का वरदान है, तुम्हें उसका ऐसे मजाक नहीं बनवाना चाहिए बेटा। ओहो माँ, अब फिर शुरू हो गई। मैंने कहा ना, मुझे लंबे बाल पसंद नहीं है, और जरूरी नहीं सुंदरता बालों से ही होती है। बस लोगों का दिल अच्छा होना चाहिए, किसी के कुछ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझसे बातों में भला कौन जीतेगा, तुझे तो हमेशा अपने मन की ही करनी होती है। अपनी माँ की बात सुनकर निकिता परी मुस्कुराते हुए बगीचे में टहलने चली जाती है। अरे देखो, परकटी परी आ गई। ओ परकटी परी, वो देखो परकटी परी को। निकिता परी किसी से कुछ नहीं बोलती है और वहीं घूम रही होती है। निकिता, तुम्हें बुरा नहीं लगता जब ये लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं और तुम्हें चिढ़ाते हैं तो? नहीं नीलम, मुझे बुरा तो इस बात का लगता है कि हम परी होते हुए भी अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते। परी है तो क्या परी की तरह एक ही बोरिंग ड्रेस पहने और सच धज कर रहे? तुम सही बोल रही हो, लेकिन इन सब का मुँह कैसे बंद करें? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब ये सब तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें परकटी कहकर चिढ़ाते हैं। कोई बात नहीं नीलम, सब ठीक हो जाएगा। निकिता परी बहुत ही नेक दिल और बहुत ही शक्तिशाली थी, वो हमेशा सबकी मदद करती थी। एक बार निकिता परी बगीचे में घूम रही होती है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो पास जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। तीन डायन मिलकर एक राजकुमार को पेड़ पर उल्टा लटका कर मार रही होती हैं। ये सब देखकर निकिता परी कहती है, रुक जाओ डायन, छोड़ दो इसे। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। जब वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो तुम उसे जबरदस्ती नहीं कर सकती, उसे छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, ये लो। और फिर निकिता परी अपनी जादुई शक्तियों से तीनों डायन को मारकर राजकुमार को बचा लेती है। कुछ समय बाद रानी परी सभी परियों को अपने पास बुलाती है। परियों, आज परी उत्सव है और हमारे राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा भानु प्रताप का बेटा राहुल का स्वयंवर होने वाला है। सभी परियों को वहाँ जाना है। राहुल जिसे पसंद करेगा उस परी की शादी उससे करवा दी जाएगी, और ये अवसर परियों को 7 साल में एक ही बार मिलता है, तो सभी परियां अच्छे से तैयार होकर जाना। रानी परी से ये सब सुनकर सभी परियां अच्छे से तैयार होने लगती हैं। ए परकटी, तू क्यों तैयार हो रही है? तो जैसे परकटी परी से एक इंसान भी शादी ना करे, राहुल क्या खाक करेगा। सभी परियां निकिता परी का खूब मजाक उड़ाती हैं, लेकिन निकिता परी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती और परी उत्सव में भाग लेने पहुंच जाती हैं। तभी वो राहुल को देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उस दिन निकिता ने जिसकी जान बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि राहुल ही था, और राहुल को निकिता उसी दिन पसंद आ गई थी, लेकिन वो उसे कुछ बोल नहीं पाया था। आज निकिता परी को यहाँ देख राहुल बहुत खुश होता है और फिर निकिता परी के पास आकर उसे शादी के लिए बोलता है और उस दिन की घटना के बारे में सभी को बताता है। निकिता परी मुस्कुराते हुए शादी के लिए हाँ बोल देती है। फिर धूमधाम से राहुल और निकिता परी की शादी हो जाती है। रानी माँ, हम सब में से एक से बढ़कर एक सुंदर परियां थी, फिर भी राहुल ने उस परकटी परी को ही चुना शादी के लिए, ऐसा क्यों? परियों, सुंदरता रूप से नहीं गुणों से होती है। आप लोग सुंदर हो, लेकिन निकिता परी समझदार और बहादुर है। वो हमेशा लोगों की भलाई का सोचती है और यही उसकी सफलता का कारण है।